दिल्ली के गांधीनगर इलाके में 5 साल की एक छात्रा का रेप, पीड़ित छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। टैगोर पब्लिक स्कूल में टीचर को खाना पहुंचाने वाले 34 साल के विकास को बताया गया आरोपी, पहचान साफ होने के बाद किया गया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार आरोपी ने स्कूल में मौका पाकर छात्रा का रेप किया, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। गाजियाबाद में स्कूल बस के नीचे आने से बच्चे की मौत, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में बच्चे की मौत के बाद लोगों का हंगामा, गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद का 52वां शहादत दिवस आज, शहादत समारोह में शिरकत करने गाजीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी और आर्मी चीफ बिपिन रावत। आज अनंतनाग में सीआरपीएफ के साथ बैठक करेंगे राजनाथ सिंह, सुरक्षा बलों के साथ घाटी के मौजूदा हालात पर चर्चा होगी। आतंकियों से लड़ते शहीद हुए कर्नल संतोष महादिक की पत्नी स्वाति बनी ऑफिसर, सेना में ऑफिसर का पदभार संभाले। जयपुर के रामगंज इलाके में तनाव के बाद हालात काबू में, एहतियात के तौर पर 4 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू। एक महिला को पुलिस का डंडा लगने के बाद भड़की थी हिंसा, एक पुलिस वाले की मौत के अलावा 10 लोग जख्मी हुए। डेरा सच्चा सौदा के आश्रम में आज सर्च ऑपरेशन चलेगा या नहीं, इस पर फैसला आज होना है। दूसरे दिन शाम करीब 5:15 बजे तक सर्च ऑपरेशन चला। सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन कल सुरक्षा एजेंसियों को गुरमीत राम रहीम की गुफा से उसकी साध्वियों के हॉस्टल तक जाने वाली एक सुरंग और रास्ते का खुलासा हुआ। रोहतक के सोनारिया जेल में शाम राम रहीम की तबियत बिगड़ी, चंडीगढ़ पीजीआई से डॉक्टरों की एक टीम पहुंची जेल, फिलहाल राम रहीम की तबियत ठीक। सिरसा में डेरा मुख्यालय में सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन अवैध पटाखा फैक्ट्री सील की गई, 2 ट्रक पटाखे जब्त। हरियाणा के चरकी दादरी में डेरा सच्चा सौदा के समर्थक की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों का खुलासा, मृतक को राम रहीम ने गांव में बनने वाले डेरे का प्रमुख बनाने का लालच देकर हड़पी उसकी 12 एकड़ जमीन। आज रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भारतीय नौसेना की महिला क्रू सदस्यों के दल को दिखाएंगी हरी झंडी, क्रू पोत के जरिए जा रहा है दुनिया का चक्कर लगाने। थलसेना प्रमुख बिपिन रावत देहरादून में अपने स्कूल टैमरिन हॉल के स्थापना दिवस पर समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बीजेपी आज गुजरात में अधिकतम गुजरात कैंपेन करेगी लॉन्च, बीजेपी ने की गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए खास तैयारी। अहमदाबाद में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से जुड़ेंगे अमित शाह, पार्टी ने 1.5 लाख युवाओं के शामिल होने का दावा किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की किताब का करेंगे विमोचन, पुस्तक का नाम है भारतीय जनता पार्टी किस लिए करे, राज किस लिए करे। घाटी के हालात की जानकारी लेने के लिए कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है जम्मू कश्मीर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में दल आज श्रीनगर पहुंचेगा। पंजाब कांग्रेस अपने प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट को लेकर विवादों में घिरी, 24 लोगों की इस लिस्ट में नाम और फोन नंबर के अलावा प्रवक्ताओं की जाति भी लिखी गई है। दिल्ली चेन्नई समेत 5 शहरों में जयंती नटराजन के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, झारखंड में स्टील प्लांट को मंजूरी देने के मामले में पूर्व पर्यावरण मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज। दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को सम्मानित किया, जस्टिस मिश्रा ने कहा वकीलों को केस के सभी तथ्य रखने की कला में माहिर होना चाहिए। दिल्ली के संसद मार्ग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में माउंट आबू पब्लिक स्कूल में एक छात्र ने अपने साथी पर ब्लेड से हमला किया, स्कूल प्रशासन ने आरोपी छात्र को 15 दिन के लिए सस्पेंड किया। दिल्ली पुलिस ने 54 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए, पुलिस के अनुसार ये लोग अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य। दिल्ली के बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा आज सांसद मनोज तिवारी के साथ मिलकर कीटनाशक छिड़कने के अभियान में शामिल होंगे, सोनिया विहार में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा पीएम मोदी को ये स्वीकार करने का साहस दिखाना चाहिए कि नोटबंदी का फैसला बिल्कुल गलत था, वो मुंबई में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राधी मां को घरेलू हिंसा के एक मामले में अदालत से झटका, मुंबई की बोरीवली कोर्ट ने केस से नाम हटाने की उनकी याचिका खारिज की। नवी मुंबई
मुंबई के MIDC इलाके में एक केमिकल की फैक्ट्री में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए का नुकसान। मुंबई के नाला सुपारा स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला गिरी, एक उस रेलकर्मियों ने उसे बचाया। हादसा CCTV में रिकॉर्ड। नवी मुंबई के वाशी में 3 साल के बच्चे को अगवा किया गया। पास के CCTV फुटेज में बच्चा एक अनजान शख्स की गोद में नजर आ रहा है। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी जाएंगे सीएम योगी, गोरखपुर में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसान कल्याण सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने लिया हिस्सा। इटावा जिले के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की हालत खराब, अगस्त महीने में 95 बच्चों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खुदकुशी करने जा रहे बच्चे को टीचर ने बताया ब्लूवेल खेलकर सुसाइड नोट लिख रहा था बच्चा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आयुर्वेदिक कॉलेज की हालत जर्जर, हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट। पंजाब के फिरोजपुर में शहीदों की याद में समागम, सिख शहीदों की याद में 12 सितंबर को कार्यक्रम।